इतना ही नहीं, जिस बच्चे ने जो हेयर स्टाइल मांगी, इन लोगों ने हूबहू उस स्टाइल में ही हेयर कट किए। शिव शक्ति के मिलन पर मनाए जाने वाले महाशिवरात्रि पर्व को लेकर सलूमर मुख्यालय व मोहल्लों में वातावरण शिवमय हो गया। सभी शिवालयों पर पंचाक्षर स्रोतों की मधुर धुन से वातावरण वैदिकता पूर्ण बनता नजर आया। साथ ही जागेश्वर महादेव मंदिर आशुतोष लिंग स्वरूप भगवान जगन्नाथ को सूर्योदय से पूर्व अवंतिका नरेश महाकाल बाबा की भस्म आरती की तर्ज पर भस्मीभूत करते हुए भस्म श्रृंगार धरा महाआरती उतारी गई। सोमवार को सुबह जागेश्वर मंदिर में भगवान अभिषेक पूजन कर भस्म आरती के उपरांत विजय श्रृंगार धराया गया। सुबह से ही नगर के हर गली मोहल्लों में बालकों व युवा टोलियों द्वारा भगवान शिव की विभिन्न झांकियां बनाने का क्रम प्रारंभ हुआ और दोपहर तक उन्हें मूर्त रूप दिया गया। इसी प्रकार क्षेत्र के मोरिलेश्वर, धोलागिरी, खेड़ा, मुलेश्वर, बड़लेश्वर, पीपलेश्वर, गुंदेश्वर, कोठारेश्वर, मानेश्वर, केदारेश्वर, न्यायेश्वर, सोमनाथ, महादेव त्रिवेणी धाम सहित अन्य शिवालयों में दर्शनार्थ भक्तों का तांता लगा रहा और शिवालयों पर आकर्षक विद्युत सज्जा भी की गई। चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। धनपति रसूखदार नेताजी ने कोर्ट के फैसले को भी किया दरकिनार। क्षतिपूर्ति राशि दिलाने की पीड़ित परिवार ने लगाई गुहार। कैसे होगी पालना कांग्रेस की सरकार। बैंक में लोन लेने से पहले हो जाइए सावधान। 7 लाख का लोन लेने वाली महिला को धोखे में रखकर लिया 21 लाख का लोन। बीच की कड़ियां भी संदेह के घेरे में। किसी चमत्कार से कम नहीं है झाड़ों का महादेव मंदिर। न पिघला न जमा है 5 सालों से घी का शिवलिंग। और मैखानों के नए खेवनहारों के खिले चेहरे। शिक्षा के मंदिर में हुई सोमरस दुकानों की नीलामी। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका 24 को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।